बच्चों, कैसे आप सब। और आज हम आपकी न्यू लर्न वेन जो आपकी बुक है उसकी सोशल स्टडीज़ की आपकी बुक है क्लास फिफ्थ की, उसका मैं आपको चैप्टर करवा रही हूँ नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3। दिस इज़ योर नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेटा इसमें देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि भाई किस किस टाइप के होते हैं, यूजेस पढ़ेंगे कैसे कैसे, और कंजर्वेशन पढ़ेंगे कैसे कैसे हमको उनको बचाना ज़रूरी है। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो हमें नेचर से मिले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है बेटा कि फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिले हैं ये हमें, जैसे कि सनलाइट है, सॉइल है, पानी है, हवा है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, फ्री चीज़ों की कद्र नहीं करते ना हम, और हम इनको इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब पानी वेस्ट करे जा रहे हैं, मिट्टी में अपना कूड़ा फेंके जा रहे हैं। रॉक्स को तो आप, माइनिंग होती है रॉक्स की, वो तो आप नहीं समझोगे क्योंकि आप वो नहीं करते, पर हद से ज़्यादा जब माइनिंग खदानों से, जब माइनिंग बोलते हैं उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, माइनिंग को, खदानों से जब हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं वो गलत है। इसके अलावा प्लांट्स को हम बिना बात के, एक तो प्लांट्स उगाते नहीं हैं, डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं। एनिमल्स को तो आपको पता ही, हम लोग कितना प्रताड़ित करते हैं कि हम उन्हें खा रहे हैं, मार रहे हैं बिना बात के, तंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है, क्योंकि जो चीज़ें हमें मुफ्त मिली हैं वही सबसे ज़्यादा कीमती होती हैं बेटा। जो चीज़ें फ्री में मिलती है ना वो सबसे ज़्यादा कीमती होती है, और चाहे वो तजुर्बा हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो जब हमारा विकास होता चला गया तो हम सीखते चले गए कि भाई ये जो नेचर से हमें चीज़ें मिली हैं इनका हम यूज़ कैसे कैसे करें। तो हाँ, नीचे साइंस की बुक रखी है, वो भी कराऊंगी। क्लासिफिकेशन देखिए दो टाइप से होता है, लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज या बायोटिक जिनको कहते हैं, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज या फिर अबायोटिक जिनको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि ऐसा कहते हैं भाई, जो देश अपना ढंग से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाते वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेचुरल या सॉरी लिविंग या फिर बायोटिक रिसोर्सेज पर। बेटा लिविंग या बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने जंगल काट दिए तो हम जंगल उगा भी सकते हैं, हालांकि उसके लिए हमें टाइम लगेगा। हम एकदम फास्टली ये नहीं कर सकते 2 साल में जंगल खड़ा हो गया जी, टाइम लगता है उसके लिए, ठीक है। क्रॉप्स, फसलें, आपको पता है भाई इस साल हमारे पास फसल पूरी नहीं है, तो हम अगली बार या अभी आने वाले टाइम में मौसम के हिसाब से, ये लिखा हुआ है फेवरेबल कंडीशंस, यानी मौसम के हिसाब से हम कर सकते हैं, या और भी कंडीशंस हैं। ग्रास, हम घास उगा सकते हैं। वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स उगा नहीं सकते, लेकिन उनको भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, अगर भाई हम लायंस को मारे नहीं, हम टाइगर्स को मारे नहीं, या हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को डैमेज ना करें, उन्हें मारे नहीं, उनको प्यार से रखें, उनको यूज़ तो करो लेकिन प्यार से करो, उनको अच्छे से ट्रीट करें। तो वो क्या होगी, जब उनके बच्चे होंगे तो वो बड़े होते जाएंगे, और फिर उनके बच्चे होंगे फिर वो, तो इस तरीके से वो बढ़ जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं बेटा नॉन लिविंग रिसोर्सेज पे, या जिनको कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन वो अपने आप रिन्यू होते हैं, हम उन्हें बना नहीं सकते, जैसे कि आपकी लैंड है, वाटर है, एयर है। आप ना पानी बना सकते हो, ना आप एयर बना सकते हो, आप लैंड नहीं बना सकते, लेकिन हाँ ये अपने आप रिन्यूएबल हो जाते हो। और ये इसके बाद आपका देखिए, आपका है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। यहाँ पे देखिए नॉन रिन्यूएबल में आपको सबसे पहले आएगा कि आपके दिमाग में आएगा पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल हो गया, या आपके ऐसी चीज़ें जो बहुत साल लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं जिनको बनने में, वो नॉन रिन्यूएबल है। ऑब्वियसली नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, उतने साल तो हम जियेंगे नहीं, तो हमारे लिए तो वो नॉन रिन्यूएबल हो गई। इन नॉन्जॉर्जिबल जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, वाटर, कि अनलिमिटेड है, लेकिन अभी भी ये अनलिमिटेड नहीं रहेगी। आपको पता है हवा इतनी गंदी हो चुकी है हमारे पॉल्यूशन की वजह से, और आप सुनते ही रहते हो कि पानी बहुत कम होता जा रहा है। तो ये बेटा हमें, बेशक हम इस्तेमाल करें लेकिन तरीके से करें, ठीक है। अब आते देखिए यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे। तो देखिए सब कुछ तो ऐसे होते हैं, हमें अपने विकास के लिए तो यूज़ करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, पर कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गई, आपकी हवा हो गई, पानी आप पी लेते हो, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोलियम है जो वो क्रूड से निकलता है, आपने सुना ना उसके तेल के कुएँ हैं, या आप सुनते होंगे कभी कि उस देश में तो तेल के कुएँ हैं, है ना। तो क्या है, तेल क्रूड होता है और उसमें से फिर प्रोसेस करके पेट्रोलियम में से अलग अलग चीज़ें, जैसे डीजल निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, केरोसिन निकाला जाता है, ग्रीस निकाली जाती है, और उसके बाद में
इसको फ्यूल की तरह ही इस्तेमाल होती हैं सारी चीज़ें, मतलब वाहनों में पड़ती हैं। और उसके बाद में फिर LPG, आपकी CNG, ये सारी चीज़ें जो कि घर में भी इस्तेमाल होती हैं और ये सारी बनाई जाती है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में भी इस्तेमाल होती हैं। अब इसके बाद में जब 18 शताब्दी थी तो उस टाइम स्टीम यानी भाप और कोल सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी के रिसोर्सेज थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या हो रहा है कि सब चीज़ें घटती जा रही है, क्योंकि भाई लोग ज़्यादा होते जाएंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं एनर्जी का कि जिससे मतलब वो अनलिमिटेड हो। और अभी हमें न, तो आपको पता है सन इतने पावरफुल है, सूरज जो है वो हमारा इतना पावरफुल है कि इतनी दूरी से भी हमें एकदम तपा देता है। तो सोलर, अगर आपने कोई कहे कि व्हाट इज़ कॉल्ड द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर, तो आप कहोगे सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इज़ कॉल्ड द रिसोर्स ऑफ फ्यूचर। पहली बात तो सोलर पैनल्स आप बहुत आजकल देख रहे होगे, इनसे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, हम अपने घर के सारे काम इनसे कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद अब मेन जो टॉपिक है वो देखिए ये है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली बात ये है कि हम अपने लेवल पे देखें, देश के लेवल पे मत देखो, अपने लेवल पे देखो कि हम क्या कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हम अपने प्लास्टिक का यूज़ कम करें, ठीक है, पेड़ पौधों को काटें नहीं। अब आप छोटे हो, अब आप बच्चे हो, आप सोचो कि मैं थोड़ी ना पेड़ काटने जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इनडायरेक्टली, क्योंकि हम प्लास्टिक इतना खरीदते हैं तो वो बनाते हैं। हमें क्या करना है, रीयूज़ करना है। हमारे पास एक प्लास्टिक का डब्बा है, उसको फेंको मत, संभाल के रखो और अगले काम में उसे इस्तेमाल करो। बहुत सी चीज़ें जो प्लास्टिक के डब्बे में पैक होकर आती हैं, तो आप नया डब्बा क्यों खरीदो, उन प्रोडक्ट के डब्बों को ही यूज़ करो और रीयूज़ करते रहो। पन्नियों को, जैसे मैंने आपसे कहा कि पन्नियाँ आप उन्हीं पन्नियों को साफ़ सुथरी करके फोल्ड करके रख लीजिए, जब बाज़ार जाइए तो पन्नियाँ अपने साथ ही ले जाओ, उसको बोलो भैया इसी में तोल के दे दो मुझे, ठीक है ना। इस तरीके से ज़्यादा पैकिंग वाले सामान मत खरीदो, खुली चीज़ें खरीदो। अब आते हैं एनिमल्स पे, तो बेटा एनिमल्स एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हम भाई एनिमल प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर हम सांप की बनी हुई चमड़ी से बैग ना खरीदे, उसके जूते ना खरीदे, या कोई आपको बड़े शौक से कहता है कि ये जिस सरगिये खरीद लो इतना महंगा है ये, और ये फलाने जानवर के मांस से बना है, इसकी चमड़ी से बना है, इसके फर से बना है, तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल मना करनी है। आपने नहीं खरीदनी, अपने मम्मी पापा को मना करनी है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, नहीं खाएंगे जो जानवरों के स्किन से, उनके मांस से बनी हुई हो, ठीक है। इससे करके हम बहुत हद तक, और आपको कहीं जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि आप बाइसिकल से जाइए, पैदल जाइए, हर जगह स्कूटी कार ये सब लेके जाना नहीं, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा वो होता है पॉल्यूशन। अगर आप ये सोचोगे कि वो तो जा रहा है हम क्यों ना जाएं, तो बेटा वो फेस तो हमें ही करना पड़ेगा, पॉल्यूशन हो रहा है तो सबके लिए ही हो रहा है ना, सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्वालिटी देखिए, एयर वाटर की दिन पे दिन गलत गंदी होती जा रही है। आपको पता है, अब पहले आप सोचते होगे कि सुनते होगे कि भाई पहले तो मम्मी आई इतने शैम्पू नहीं लगाती थी फिर भी उनके बाल अच्छे थे, अब तो हम इतने महंगे महंगे, क्योंकि हम जो शैम्पू लगा रहे हैं वो ऑलरेडी केमिकल है, और हम जिस हवा में रह रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल केमिकल वाला है। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना है, हमें कम से कम चीज़ें खरीदनी चाहिए, प्लास्टिक वाली चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जो जिन पे ग्रीन मार्क हो, जो नेचुरल हो, जो ऑर्गेनिक हो, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा कि हम अगर अच्छे से रहें ताकि हम अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन को अच्छी चीज़ें दे सकें, वरना हम उनके लिए क्या छोड़ के जाएंगे, कूड़ा कबाड़ा छोड़ के थोड़ा जाएंगे। इसलिए हमें चीज़ें यूज़ भी करनी है और अच्छे से रहना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या दे दूँगी, इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज दे दूँगी, तो आप देख के कर लेना, ठीक है। और बस यही है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको इंस्टा FB पेजेस के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आप लाइक फॉलो कर लेना, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में जो जिनको भी पढ़ाई में हेल्प मिलेगी। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना, बाय।